और बढ़ते हैं आगे। पेंगोंग विवाद खत्म होने के बाद भारत की नजर देपसांग विवाद पर है जो 2013 में हुआ था। इस इलाके में भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है और स्थिति काफी संवेदनशील रहती है। आखिर क्या है देपसांग विवाद, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत की कूटनीति और कठिन हालातों में सीमा पर डटे जवानों के शौर्य की बदौलत चीन अब पेंगोंग झील से उल्टे पैर वापस लौटने लगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में ये बड़ी जानकारी दी और कहा कि बुधवार से सेना की वापसी शुरू हो गई है। गुरुवार शाम को ही लद्दाख सीमा से सेनाओं के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख की सीमाओं से अपने जवानों को पीछे हटाएंगी। इसके तहत चीन पेंगोंग लेक के फिंगर 9 तक जाएगा। भारत फिंगर 3 की धन सिंह थापा पोस्ट तक रहेगा। नॉर्थ बैंक के अलावा साउथ बैंक पर मौजूद जवानों को भी पीछे हटाया जाएगा। जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक कुछ वक्त के लिए दोनों देश लेक में पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। दोनों देशों की सेनाओं ने अब तक कई दौर की बातचीत की है, ऐसे में उसी के अनुसार दोनों सेनाएं अपने जवानों को पीछे हटाएंगे। अब बता दें इस इलाके में भारत के पास राचिन ला पहाड़ी पर अधिकार है जिससे चीन को चिढ़ मचती है क्योंकि भारतीय सेना इसके सहारे चीन की पूरी सेना और बेस पर नजर रख सकती है। अगर इससे अलग देपसांग इलाके की बात करें तो चीन यहाँ पर मजबूत हुआ है लेकिन मौजूदा विवाद कुछ अतिरिक्त निर्माण और टैंकी की तैनाती का है। बॉर्डर की व्यापक स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी बयान दिया। राजनाथ सिंह के मुताबिक चीन 1962 से ही लद्दाख की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए है। इसके अलावा पीओके की भी करीब 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। पदम को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित सीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। ऐसे में पेंगोंग लेक की आखिर स्थिति क्या है, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन आमने सामने आते हैं। यहाँ पर मौजूद पेंगोंग लेक करीब 134 किलोमीटर लंबी है जो समुद्री तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस पूरी लेक के दो तिहाई हिस्सा चीन के पास है जबकि करीब 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के पास है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब भारतीय सेना ने फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग की थी जबकि चीन की ओर से फिंगर 2 तक आने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, 1999 में चीन ने फिंगर 4 के पास अपनी एक सड़क भी बना ली थी लेकिन भारत के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। मौजूदा वक्त में जो समझौता हुआ उसका मुख्य फोकस पेंगोंग लेक पर जारी विवाद को खत्म करने का है लेकिन भारत की नजर देपसांग के विवाद पर भी है जो 2013 में हुआ था। इस इलाके में भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और स्थिति काफी संवेदनशील रहती है। यही वो इलाका है जहां पर बीते साल गोली चलने की घटना सामने आई थी। भारत यहां पर कैलाश रेंज पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। साथ ही हॉट स्प्रिंग घोघरा जैसे विवादित स्थान को लेकर भी आने वाली भारत और चीन सेनाओं के बीच की बैठक में चर्चा होगी। दरअसल मई 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में ही झगड़ा हुआ था। इसकी वजह से दोनों पक्षों में असहमति बनी। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 2 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसकी वजह से ही स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी।